अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुजन समाज जिसे बोला जाता है वो देश के अंदर गिना जाता है 85% लोग, लेकिन बहुजन है क्या और बहुजन आंदोलन होता क्या है, उन्हीं विषयों को लेके आज हमारे साथ शत्रुघ्न जी हैं, प्रोफेसर शत्रुघ्न कुमार जी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पूरे देश के कई प्रोफेसर्स को, बहुत सारे देश विदेश में बहुजन की आवाज़ को पहुंचाते हैं। शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी, आप हमें बताएं कि बहुजन आंदोलन है क्या, उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल बहुजन शब्द हमारे देश में आजकल सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, और जब बहुजन शब्द हमारे जैसे हमारे कानों में पड़ता है तो हम ये जोड़ देते हैं राजनीति से और जोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ों से। दरअसल बहुजन शब्द को समझने के लिए हमें इस देश की सामाजिक परिस्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का समाज जाति और धर्म पर आधारित है। ये भारतीय समाज जाति और धर्म पर आधारित होने का मतलब यहाँ यह है कि जो भारतीय समाज है उसे तरह तरह के कई भागों में बांटा गया है जी। और ये बांटना एक अपने आप में एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, और इसे हम अच्छी तरह से इस प्रकार समझेंगे कि जो भारतीय समाज है, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हम यह नहीं कहते हैं कि ये भारतीय है, हम कहते हैं कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्र है। और इस रूप में हम पाते हैं कि ये जो चार वर्ण, चार वर्ग बनाए गए हैं, तो इस प्रकार पूरा समाज इस रूप में बटा हुआ है। लेकिन इसे और हम गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये जो भारतीय समाज को जाति के आधार पर बांटा गया, तो क्या ये यूं ही बट गया? नहीं, इसे बांटने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा उद्देश्य था। और इसे और हम गहराई से देखने समझने का प्रयत्न करें तो हम यह पाएंगे कि ये जो बहुजन समाज है, ये जो भारतीय समाज है, और इसमें जो चार जातियों में जो समाज को बांटा गया है, इसे पुख्ता करने के लिए, इसे अस्थाई रूप देने के लिए, इसे मजबूती प्रदान करने के लिए इस पर धर्म की मुहर लगी हुई है। और यह धर्म की मुहर ऐसी मुहर है जिसे कोई टस से मस नहीं करता है, अर्थात हम चाह कर भी इससे अलग नहीं हो सकते हैं। और यही चीज़ आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, और एक बहुजन शब्द को जोड़कर हम इसकी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो भारतीय समाज है जाति और धर्म पर आधारित है, तो आखिर ये जाति और धर्म पर क्यों इसे बांटा गया? और इसके पीछे हम यही कारण देखते हैं कि इस देश में जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें तीन ऊपर के जो वर्ण हैं वो श्रेष्ठ जन कहे गए, और जो अंतिम वर्ण या चौथा वर्ण है उसे निम्न समझा गया। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो जाति व्यवस्था की गई वो किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए की गई थी, और यह उद्देश्य यही था कि उच्च चार वर्ण, सबसे जो निचले तबके पर जो वर्ण रखा गया है, जिनको शूद्र वर्ण कहा गया, वो उन पर राज कर सकें। और ये राज करने की जो पूरा षड्यंत्र रचा गया उसमें एक यह भी कहा गया कि ये जो चौथा वर्ण है ये सबकी सेवा करेगा। यानी जब समाज का बंटवारा किया गया तो इसमें यह कहा गया कि सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण है और वो सबका नियंत्रण कर सकता है, यानी उसके पास सभी को नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, जैसा हम जानते हैं कि क्षत्रिय वर्ग को देश की रक्षा का भार दिया गया और वैश्य को जो व्यापार वर्ग है, व्यापार चलाने का कार्य दिया गया, लेकिन इन तीनों की सेवा करने का जो काम दिया गया वह शूद्र वर्ग को दिया गया। तो लेकिन यह यूं ही ऐसे कैसे हो सकता था? इसके पीछे यह भी कहा गया कि इस अस्थाई व्यवस्था इसको प्रदान किया जाए, इसको मजबूती प्रदान किया जाए, इसके लिए धर्म की मुहर लगाई गई। क्योंकि अगर साधारण तरीके से हम इसे लागू कर देते, अगर किया जाता, तो यह
कब का खत्म हो जाएगा, कब का विनष्ट हो गया होता, लेकिन इसके पीछे धर्म की मुहर लगाई। अब धर्म की मुहर क्यों कर लगाई गई, धर्म की स्थापना, धर्म के ये एक अलग विषय है कि हम उस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसे हम चाह कर भी हटा नहीं सकते हैं। और विशेषकर भारत में, भारत में जो धार्मिक व्यवस्था है वह इसी रूप में निर्मित की गई कि इस देश में अस्थाई रूप से समाज को संचालित किया जा सके, या ये जो व्यवस्था बनी हुई, सामाजिक व्यवस्था बनी है, इसको हम अलग ना कर सकें, इसे हम तोड़ ना सकें। तो हम यहाँ इस रूप में पाते हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया इस देश के समाज को बांटने का। और आजकल तो हम सभी जानते हैं, और आजकल लगभग पूरा भारत ही नहीं विश्व जानता है, कि जब भारत के मानव समाज के बारे में हम बात करेंगे तो यह पाएंगे कि ये भारतीय समाज में जो यहाँ रहने वाले लोग थे, जिन्हें हम मूल निवासी कहते हैं, जिन्हें हम बहुजन कहते हैं, वो मूल निवासी इस देश के निवासी थे, और बाकी जो तीन वर्ण के लोग थे वो बाहर से आए हैं। और ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हो चुका है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने बड़े विद्वान इस देश के हुए हैं उन्होंने प्रमाणित किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। और ये तो हम आए दिन देखते हैं, ये सत्य भी है कि आज तक जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें निश्चित रूप से ये अलग अलग जातियाँ हैं। और इन जातियों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तीन जो उच्च वर्ण बनाए गए ये नियंत्रक हैं समाज के, और इनके पास सभी तरह के अधिकार प्राप्त हैं। और इस व्यवस्था में जो शूद्र वर्ग जिनको कहा गया, वो केवल सेवा करने के लिए, अर्थात उनके पास कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि इस देश में जो मूल निवासी यहाँ के थे उन पर नियंत्रण करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई, इस तरह की सामाजिक संरचना की गई, और जाति व्यवस्था को कठोर बनाने के लिए उस पर धर्म की मोहर लगाई। क्योंकि अगर ऐसा हम माने, जैसे मैं एक उदाहरण से इसे समझा सकता हूँ कि अगर एक सरकारी पत्र हमारे पास किसी अधिकारी ने दिया किसी के लिए, या छात्रों को कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो जब तक उस पर हस्ताक्षर ना हो, जब तक उस पर मुहर ना हो, तो उस पत्र का या उस कागज़ का कोई मूल्य नहीं होता है। उसी तरह से इस देश की जो जाति व्यवस्था बनाई गई उस पर धर्म की मुहर लगाई गई, और ये धर्म की मुहर ने इस व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया। अब ये एक पूरा अलग विषय है, एक बहुत विस्तार से इसको समझने की बात है कि ये धर्म किस रूप में आया, कैसे इसकी संरचना की गई, कौन कौन से तरीके अपनाए गए, ये बहुत सारे कर्मकांड की रचना की गई जिससे इन चीज़ों को मजबूती प्रदान की गई। तो हम यह देखते हैं, और यह स्पष्ट हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि इस देश में जो इस देश में रहने वाले लोग हैं उनमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये इस देश के नहीं, इस देश के मूल निवासी नहीं, बाहर से आए हुए लोग हैं। और इस देश के जो लोग जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहाँ के वास्तव में यहीं के रहने वाले लोग थे, वो मूल निवासी यहाँ के, जिन्हें आज हम बहुजन शब्द से उच्चारित करते हैं, लेकिन क्या ये बहुजन कोई एक ग्रुप है, कोई एक वर्ग है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की संरचना की गई उसमें जो शूद्र वर्ग था उसको भी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। अगर ये वास्तव में ये जो मूल निवासी थे, अगर आज जिस रूप में हम देख रहे हैं कि बहुजन आंदोलन खड़ा हो रहा है, जो बहुजन शब्द जोड़ा जा रहा है, वो एक बनाने के लिए, यहाँ पर मैं ज़रूर ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महामानव गौतम बुद्ध का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने इस देश में मानवता के संचार के लिए, इस देश के मानव को एक करने के लिए, इस देश के मानव समूहों को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन ये सारे आंदोलन विफल एक तरह से होते रहे, क्योंकि जो इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, उस पर धर्म की मोहर लगी हुई थी। और धर्म की मोहर को यूँ साधारण तरीके से हटाया नहीं जा सकता, और यही कारण है कि आज हम 21वीं सदी में, 22वीं सदी में जा रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि इस देश में, दुनिया में परिवर्तन आ चुका, सारे दुनिया में, इस विश्व पर, विश्व के हर देश में परिवर्तन आ गया, लेकिन भारत में यह परिवर्तन क्यों नहीं आया?
क्योंकि ये जाति व्यवस्था जी थी उसी रूप में है, उसी रूप में आज विद्यमान है। और इसीलिए इस व्यवस्था के कारण इस देश के 85% जनता अपने अधिकारों से, अधिकारों की लड़ाई को आज भी लड़ रहा है। और इस व्यवस्था के कारण, इस जाति व्यवस्था के कारण, उस पर धर्म की मुहर के कारण वो अपने किसी भी अधिकार की लड़ाई को आगे तक ले जाता है, फिर वापस वहीं आ जाता है। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है धर्म की मुहर। और इसीलिए मैं यहाँ पर ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि 1956 में महामानव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1956 में इस देश के लोगों के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए एक नया रास्ता दिया। और नागपुर में उन्होंने इस देश में बहुजनों को आह्वान किया कि वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लें। ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना आखिर क्या था? यह था इस देश के बहुजनों को, इस देश के मूल निवासियों को इकट्ठा करना, जो बहुत सारी छोटी छोटी जातियों में विभक्त समाज को बना दिया गया। वो स्वयं नहीं बने, उनको उनका नाम दिया गया। जैसे हम आज बहुत सारे नामों से जानते हैं, जो जातियां हैं, बहुत तरह की जातियां हैं, उनके अलग अलग नाम दिए गए। और वो नाम इस रूप में जाने कितनी सदी लगी होगी और उस रूप में पुख्ता हो गई है कि हर जातियाँ अपने आप अपने उसी दायरे में रहना चाहती है, उसे निकल कर नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये भगवान ने उसकी संरचना की है, धर्म कहता है और इसके विरुद्ध वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जिस धर्म में हमें छोटा समझा जाता है, जिस धर्म में हमें विभक्त किया जाता है, जिस धर्म में हमें टुकड़े टुकड़े में बांटा जाता है, हम उसको छोड़ना चाहते हैं और हम एक देश के मूल निवासी हम इकट्ठे होकर। और इसलिए उन्होंने जो हम सभी जानते हैं और शायद पूरे विश्व में ये है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह नारा केवल यूं ही सुनने के लिए, समझने के लिए है, या ना देश के संपूर्ण भारतीयों के लिए है, ना कि किसी एक वर्ग के लिए, ना कि किसी एक समूह के लिए। और तो मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि केवल बहुजनों के लिए भी नहीं है, ये पूरे भारतीयों के लिए है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी आते हैं। क्योंकि ये सारे जो विभाग हैं, ये सारे जो बंटवारे हैं, इनको दूर कर हम केवल भारतीय हैं। और हम भारतीय होने का मतलब है कि हम भारतीय मिलकर इस देश को आगे ले जाएं, मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। और क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हो? ऐसा नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जन्म से सारे गुणों को लेकर यहाँ प्रकट नहीं होता है। वो इस धरती पर आता है, उसका जन्म होता है, वो किसी तरह के जाति भेद या किसी तरह के ठप्पे लेकर नहीं आता है, जिसे हम यह कह सकें कि यह इस वर्ग का है, इस जाति का है। वह एक मनुष्य के रूप में यहाँ आता है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में अगर जाति है तो केवल दो ही जाति है, जिसे मैंने अपनी कहानी दादी अम्मा के उत्तर में इसे वैज्ञानिक तरीके से रखा है। दुनिया में यह जाति कौन सी है? एक औरत की, एक मर्द की, एक पुरुष की, एक नारी की। और यही जाति, चाहे वो काला हो, गोरा हो, छोटा हो, लंबा हो, अफ्रीका में रह रहा हो, यूरोप में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, केवल मनुष्य की दो ही जाति है। और वो दो जाति है स्त्री और पुरुष की। और इसी से वो इसकी परंपरा आगे बढ़ती है, मनुष्य जाति आगे बढ़ता है। लेकिन चूँकि हमारे देश में जो व्यवस्था बनाई गई, जो एक ऐसी कठोर व्यवस्था थी, जो मैं कहूँगा कि एक कैंसर से भी बहुत कठिन और बहुत ही दुखदायी व्यवस्था थी, जिसके कारण आज पूरा समाज पीड़ित है, पूरा देश पीड़ित है। और इसके कारण इस देश में जो यहाँ के मूल निवासी हैं और वो संघर्षरत हैं कि नहीं, हम केवल भारतीय हैं। और इसी कारण ये बहुजन आंदोलन चल पड़ा है। और ये बहुजन आंदोलन इस रूप में है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जो जाति व्यवस्था बनाई गई, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जिस शूद्र वर्ग है वो पूरे के पूरे शूद्र वर्ग, ये बहुजन है, उनको विभिन्न जातियों में, हजारों जातियों में बांटा गया है। और मैं यहाँ पर यह भी जोड़ना चाहूँगा कि इस देश में जो धर्म के नाम पर बहुत सारे, चूँकि हम ये जानते हैं कि हमारे देश में हमारे मूल निवासियों का धर्म नैसर्गिक धर्म था, प्राकृतिक धर्म था, वो किसी विशेष देवी देवता की नहीं, प्रकृति के पूजक थे। और हम ये जानते हैं कि महामानव गौतम बुद्ध के मानवतावादी स्वरूप, मानवतावादी धर्म की स्थापना के कारण हम उस व्यवस्था के पोषक रहे हैं। लेकिन
ये भी है कि इस देश में इतिहास प्रमाण है कि इस देश में बहुत सारी जातियाँ आई, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, क्रिस्तान आए। तो दो विशेष रूप से जब इस्लाम का आगमन इस देश में हुआ और क्रिश्चियनिटी इस देश में आई, ईसाई धर्म इस देश में आया, तो वो वहाँ थोड़े से लोग आए थे, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों ने, ज़्यादातर मूल निवासियों ने इस्लाम कबूल किया, ईसाई धर्म कबूल किया। इसके पीछे भी सामाजिक कारण थे, क्योंकि वो इस जाति व्यवस्था, जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से, उससे त्रस्त थे, उससे हमेशा निकलना चाहते थे, और इसलिए जहाँ जहाँ उन्हें एकता का, जहाँ समानता का स्वरूप देखने को मिला, जहाँ उन्हें समानता, जहाँ अधिकार दिखा, जहाँ एकता का अधिकार देखा, जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था। एक सजदे, जब हम ये देखते हैं कि जब इस्लाम वाले जब अपने इस्लाम धर्म में सभी एक साथ नमाज अदा करते हैं तो वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसी तरह से जब चर्च में जाते हैं वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये जो धर्म जहाँ पर समाज को एक बनाता था, जहाँ पर एक साथ लाता था, इस तरह से हमारे मूल निवासी उस तरफ गए। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए, ज्योतिबा फुले हुए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हुए, और देश के हर कोने में ऐसे महामानव हुए जिन्होंने इस जाति व्यवस्था को तोड़ने का, ख़त्म करने का प्रयास किया। लेकिन चूँकि यह आखिर यह व्यवस्था कायम क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं धर्म को मानता हूँ, और वह धर्म चूँकि व्यक्ति के पूरे जीवन को संचालित करता है, और हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि हिंदू धर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक हम उस धर्म से छूट नहीं सकते हैं, उस व्यवस्था को मानते हैं, और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हम 56 में नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली कि हम आज से इस धर्म को छोड़ते हैं, जो धर्म हमें छोटा बनाता है, जो धर्म हमें नीच कहता है, उस धर्म को हम छोड़ते हैं, और इस कारण हम आज इस देश को एक बनाने के लिए बहुजनों को आह्वान करते हैं। और इस तरह से यह आंदोलन चल पड़ता है आगे, और आज तक कुछ लड़ाई चल रही है, लेकिन बहुजन बहुत सारे लोग आज भी हिंदू धर्म की व्यवस्था में, उसके कर्मकांड में फंसे हुए हैं, और इसी कारण वह इससे निकल नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन इस व्यवस्था को वह छोड़ेंगे और उनके समझ में आएगी कि वास्तव में ये जो जाति व्यवस्था है वह सही नहीं है, वो गलत है, वह षड्यंत्र के तहत है, और हिंदू धर्म हमारा धर्म नहीं है, और इस धर्म चूँकि हमें बांटता है उसको हम छोड़ेंगे, तभी हम इस देश के मूल निवासी बहुजन उस दिन मुक्त हो पाएंगे और ये बहुजन आंदोलन सफल होगा। आप थे हमारे साथ शत्रुघ्न जी, जिन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया कि बहुजन समाज का जो उद्देश्य है, जो बहुजन समाज का आंदोलन है वो है क्या, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया, बातों ही बातों उन्होंने वो भी बताया, और ये भी बताया कि शत्रुघ्न जी ने कि बहुजन समाज का जो लोग हैं उनके लिए हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि जो धर्म बांटता है वो कोई एक धर्म नहीं हो सकता है। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।